हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता मिश्रा है। आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट इन गाजियाबाद इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट एरिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। हम ये भी जानेंगे कि जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें किस प्रकार का फूड खाना चाहिए, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं और हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने में मदद करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है चीनी में और मैदे से बने चीज़ों में, जैसे कि आपको मिलेगा पिज़्ज़ा में, वाइट ब्रेड में, केक्स में, कुकीज़ में और सफ़ेद चावल में, वाइट राइस में। इसमें जो है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इसे खाते हैं आपका शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तुरंत, तो इसलिए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाले फूड अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है फ्रूट्स में। फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रक्टोज होती है, मैनोज होती है, और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें किस में मिलते हैं, फ्रूट्स के अलावा बीन्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, और इसके अलावा नट्स हैं और एवोकेडोस, इन सब में भी हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। मल्टीग्रेन्स, जो हमारा मल्टीग्रेन है, होल ग्रेन है, उसमें भी हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, यानी जब आप उसे खाते हैं तो आपकी बॉडी में तुरंत ही शुगर का लेवल बढ़ नहीं जाता, जिसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। इसलिए हमें डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, हमें ढेर सारा फ्रूट्स खाना चाहिए। आप डेली एक बड़ा बाउल भर के जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जितने भी कलर के फ्रूट्स हैं, जैसे येलो, रेड, ग्रीन, जितने भी कलर के फ्रूट्स हैं, सब मिक्स कर लीजिए और इसका एक बड़ा बाउल फ्रूट्स और सैलड्स डेली खाइए। ऐसे ही आपको मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। आप 4-5 प्रकार के ग्रेन ले लीजिए, जैसे कि गेहूँ ले लिया, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, सब मिक्स कर लीजिए और इस आटे को आप यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल गेहूँ का आटा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से चोकर बिल्कुल भी नहीं निकालना है, चोकर के साथ आप इसे खाएं। इसके साथ नेक्स्ट क्या है, ब्राउन राइस। देखिए, ब्राउन राइस दो टेस्ट में ख़राब होता है, पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, मगर ब्राउन राइस वाइट राइस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, ये शुगर लेवल बढ़ाता भी नहीं है। इसलिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ब्राउन राइस आप ज़्यादा खाएं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, जिसका मैं जवाब आपको तुरंत ही दूंगी। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।